एसडीएम ज्योति मौर्या का कांड जब 4 महीने पहले सामने आया तो चर्चा होनी शुरू हो गई। अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर कोई इस मामले पर अपनी राय दे रहा है, लेकिन ये मामला सिर्फ ज्योति और आलोक मौर्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि असली मोड़ तो तब आया जब ज्योति मौर्या की वजह से उन लोगों के घर बर्बाद हो गए जिनका ज्योति के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। ज्योति मौर्या की वजह से 900 औरतों का घर बर्बाद हो गया, ऐसी खबर सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्या की तरह ही कई ऐसी औरतें थी जहां पर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कई पति थे जो अपनी पत्नियों को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, लेकिन इस बीच जैसे ही ज्योति मौर्या का ये कांड हुआ, वैसे ही जो लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाई के लिए जिन्होंने दिल्ली भेजा था या बाहर भेजा था, उन सब ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई तो बंद करवाई ही और साथ ही अपनी पत्नियों का कंपेरिजन ज्योति से करने लगे। कहने लगे कि हम तुम्हें ज्योति मौर्या नहीं बनने देंगे, तुम्हें अब घर पर काम करना होगा और हमारे लिए खाना बनाना होगा। यानी कि यहाँ पर जो औरतें पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती थी, उन औरतों का भविष्य, उन औरतों का करियर सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्या की गलती की वजह से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।